नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड डिटर्जेंट बनाने का तरीका। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बनाए आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, यह लिक्विड डिटर्जेंट मैं जो बना रहा हूँ, यह एक प्रैक्टिकल प्रयोग है। समझ में आ गया? इस तरीके से लिक्विड डिटर्जेंट अगर बनाया जाए, क्या उसका पीएच बैलेंस रहेगा, क्या वो बढ़िया काम करेगा सफाई झाग, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने वाटर लिया है 100 ग्राम और उसमें 30 ग्राम टीनोपॉल और 30 ग्राम मीठा सोडा ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद में अब हम इसमें कास्टिक सोडा ऐड करेंगे 20 ग्राम। यह मैं जो फार्मूला बना रहा हूँ, तो इस क्वांटिटी में मिलाने के बाद में क्या होगा, यही मैं देखना चाहता हूँ। समझ में आ गया? तो यह जो आपके सामने प्रैक्टिकल प्रयोग कर रहा हूँ, यह पूरा क्वांटिटी नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसका यह पूरा क्वांटिटी नहीं है। समझ में आ गया? जैसे मैंने कास्टिक सोडा ऐड किया है 20 ग्राम, तो इसमें 20 ग्राम मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि यह पूरा क्वांटिटी नहीं है। यह मैं एक फार्मूला बनाया हूँ कि अगर इतना क्वांटिटी में अगर मिलाया जाए, तो जो लिक्विड डिटर्जेंट बनेगा उस किस क्वालिटी का होगा। तो इसीलिए मैं अभी यह प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अगर यह कामयाब होता है, बढ़िया काम करता है, तो इसका एक बढ़िया फार्मूला बनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भी लिक्विड डिटर्जेंट बनाया जा सकता है। अब इसमें हम एसिड डिसलरी ऐड करेंगे 100 ग्राम। देखिए, इसमें हम सबसे ज़्यादा एसिड डिसलरी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। यह देखिए, मिलाने के बाद में यह कैसा लिक्विड बन गया। अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे और इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे वाटर। और इसके बाद साल्ट। साल्ट आप इसमें 20 से 30 ग्राम ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे SLS लिक्विड। और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम यह जो लिक्विड बनाए हैं, इसे ऐड कर देंगे और इसे अब अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें कलर और परफ्यूम ऐड कर देंगे। यह मान के चलिए कि यह लिक्विड एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, क्योंकि इसमें हमने एसिड डिसलरी ज़्यादा ऐड किया है। और दूसरा, इसका अगर पीएच का बात किया जाए तो वह भी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि इसे हमने अलग तरीके से बनाया है। एसिड डिसलरी, टीनोपॉल, मीठा सोडा को अलग हमने लिक्विड बनाया, SLS लिक्विड और वाटर साल्ट को अलग बनाया, और इन दोनों को मिलाने के बाद में यह बढ़िया से न्यूट्रलाइज हो गया है। समझ में आ गया? लेकिन यह देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा,
क्योंकि इसमें हमने एसी डिस्टिलरी ज़्यादा ऐड किया है, उस वजह से यह बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा। समझ में आ गया। लेकिन इसका यूज आप कपड़े धोने में, फ्लोर क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, आप किसी भी टॉयलेट क्लीनर, आप किसी जगह भी इसका यूज कर सकते हैं। ये एक बढ़िया लिक्विड है, तो इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसका बढ़िया क्वांटिटी आपको बताऊंगा और यह कैसा काम करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।